Assalamu alaikum. Myself Sabiha Badsa on behalf of Anglo Urdu High School English Medium. Kaksano, Visay Hindi, Part 19, Mahakavi Kalidas, Lekhak Narpat Barhat Hadvecha. इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पार्ट को समझा था, यानी कि महाकवि कालिदास की जो जीवनी हमें दी गई थी उसे समझा। इस वाले वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय की चर्चा करने से पहले हम इस पार्ट का सारांश देखें तो कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म उज्जैन में 365 ईस्वी में तथा निधन 445 ईस्वी माना है। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वे युवावस्था में अनपढ़ और मूर्ख थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। वे कैसे इतने बड़े विद्वान बने, इस बारे में एक कहानी प्रचलित है। उन दिनों शारदानंद नाम के राजा थे। उनके एक गुणवती विद्वान और रूपवती पुत्री थी जिसका नाम विद्युत्तमा था। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान पर बड़ा गर्व था। उसने घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से ही विवाह करेगी। वहाँ के कुछ विद्वानों और पंडितों को इसमें अपना अपमान लगा। वे एक मूर्ख युवक को पकड़ कर लाए और उसे एक सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच देकर मौन रहने के को कहा। राजकुमारी ने हाथों से कुछ इशारे किए और जिसका उत्तर उस मूर्ख युवक ने मूर्खतापूर्ण इशारों में ही दिया, लेकिन पंडितों ने उसका कुछ और ही अर्थ बताकर उसे एक विद्वान सिद्ध कर दिया। राजकुमारी को विवाह के बाद पता चला कि वह तो एक बड़ा मूर्ख है और उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। उस मूर्ख युवक ने माँ काली की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विधाओं में निपुण होने का वरदान दे दिया। बाद में वह मूर्ख युवक कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालिदास को हर क्षेत्र का अनुभव था। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं: ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवर्षीयम, कुमार संभम, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। देखें, यहाँ पर महाकवि कालिदास माँ काली का वरदान प्राप्त हो जाता है और वो विद्या में निपुण हो जाते हैं। चले अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। उत्तर, कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि उज्जैन है। दो, मेघदूत का नायक कौन है? उत्तर, मेघदूत का नायक एक यक्ष है जिसका नाम कुबेर है। तीन, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था? उत्तर, विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। नंबर चार, विक्रमादित्य कौन थे? उत्तर, विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे। उज्जैनी मतलब कि उज्जैन, जिसे हम आज उज्जैन के नाम से जानते हैं। नंबर पाँच, मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा? उत्तर, मूर्ख युवक ने काली माँ की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विद्याओं में निपुण होने का वरदान दिया, इसलिए मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। नंबर छः, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार कवि थे? उत्तर, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार कवि थे। नंबर सात, युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है? उत्तर, युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। नंबर आठ, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली? उत्तर, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया। नंबर नौ, विद्युत्तमा किसकी पुत्री थी? उत्तर, विद्युत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। नंबर 10, विद्युत्तमा को किस बात का घमंड था? उत्तर,
विद्युत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का घमंड था। नंबर 11, विद्युत्तमा ने अपने विवाह के बारे में क्या घोषणा की थी? उत्तर, विद्युत्तमा ने अपने विवाह की घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। नंबर 12, पंडितों ने विद्युत्तमा से किस प्रकार बदला लिया? उत्तर, पंडितों ने एक मूर्ख व्यक्ति से विद्युत्तमा का विवाह कराकर उससे बदला लिया। नंबर 13, पंडितों ने विद्युत्तमा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया? उत्तर, पंडितों ने एक उंगली का अर्थ बताया कि ईश्वर एक है। नंबर 14, मूर्ख युवक ने उंगली के इशारे को क्या समझा? उत्तर, मूर्ख युवक ने उंगली के इशारे को समझा कि विद्युत्तमा उसकी आंख फोड़ने के लिए उंगली दिखा रही है। नंबर 15, मूर्ख युवक ने दो उंगलियां क्यों दिखाई? उत्तर, मूर्ख युवक ने सोचा कि विद्युत्तमा एक उंगली दिखाकर उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है, उसने विद्युत्तमा की दोनों आंखें फोड़ने के लिए दो उंगलियां दिखाई। नंबर 16, पंडितों ने मूर्ख युवक द्वारा दिखाई गई दो उंगलियों का क्या अर्थ बताया? उत्तर, पंडितों ने दो उंगलियों का अर्थ बताया कि ईश्वर और जीव दो है। नंबर 17, विद्युत्तमा ने पंच तत्वों का संकेत किस प्रकार दिया? उत्तर, विद्युत्तमा ने अपनी पांच उंगली दिखाकर पंच तत्वों का संकेत दिया। नंबर 18, मूर्ख युवक ने मुट्ठी क्यों दिखाई? उत्तर, विद्युत्तमा ने मूर्ख युवक को पांच उंगलियां दिखाई तो उसने सोचा विद्युत्तमा उसे चांटा मारना चाहती है, इसलिए उसने उसे मुट्ठी दिखाई। नंबर 19, मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों ने क्या अर्थ बताया? उत्तर, मूर्ख युवक की मुट्ठी का अर्थ पंडितों ने बताया कि पांच तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। नंबर 20, कुबेर की नगरी का क्या नाम है? उत्तर, कुबेर की नगरी का नाम अलकापुरी है। प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। नंबर 1, कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? उत्तर, अनपढ़ कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। राजकुमारी के किए गए इशारों का जवाब भी अपने मूर्खतापूर्ण जवाबों से दिया, परंतु ये बात अलग थी कि पंडितों ने उनके मूर्खतापूर्ण जवाबों का कुछ और ही अर्थ बताया। ऊंट को भी वे उट्र का संबोधन करते हैं। उनके इन्हीं कार्यों से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। नंबर 2, विद्युत्तमा का परिचय दीजिए। उत्तर, विद्युत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी के साथ विवाह करेगी, लेकिन उसका विवाह एक मूर्ख युवक से करा दिया जाता है। नंबर 3, महाकवि कालिदास के कृतियों के नाम दीजिए। उत्तर, महाकवि कालिदास की 7 प्रमुख कृतियां हैं, ऋतु संहार, ऋतुओं का सुंदर वर्णन, मालविकाग्निमित्र, राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का वर्णन, विक्रमोवर्सियम, महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, कुमार संभव, शिव पार्वती की सुंदर कथा, मेघदूत, वर्षाकाल और विरह का वर्णन, रघुवंश, सूर्यवंश के राजा दिलीप से लेकर राजा कुश तक की कथा, अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। शब्द समूह के लिए एक शब्द जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो, सर्वहितकारी। नंबर 2, विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रार्थ। नंबर 3, विद्या में जो उत्तम हो, विद्युत्तमा। बेटा, आप लोग भी इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को और दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द को अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।